जब यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी तब से ही रूस की सेना पर यूक्रेनी बच्चों की किडनैपिंग और उनके साथ क्रूरता के कई आरोप लगे थे। हालांकि यूक्रेन अब भी पुतिन पर यूक्रेनी बच्चों के साथ युद्ध अपराध के आरोप लगाता रहा है, लेकिन ये मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। दरअसल 22 से 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीकी में ब्रिक्स सम्मेलन होगा और इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हिस्सा लेने जाना था, लेकिन अब उन्होंने इस समिट में ऑनलाइन भाग लेने का फैसला किया है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि ब्रिक्स से पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन को यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और क्रूरता का दोषी पाया है और उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया है। दूसरी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट का सदस्य देश भी है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पुतिन के ऊपर अभियोग भी लगा दिया है। इसको लेकर दक्षिण अफ्रीका की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कोर्ट से अपील की थी कि अगर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आते हैं तो सरकार को उनकी गिरफ्तारी के लिए मजबूर किया जाए। इसी याचिका का कोर्ट में जवाब देते हुए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि रूस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुतिन की गिरफ्तारी युद्ध की घोषणा होगी और दक्षिण अफ्रीका इस तरह के किसी भी संकट का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका कभी भी पुतिन से दुश्मनी लेने का खतरा नहीं उठाएगा, क्योंकि वो खुद यूक्रेन और रूस के बीच शांति का रास्ता निकालने के लिए लगा हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उन अफ्रीकी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इसके बाद रामाफोसा सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात करने गए थे।